अस्सलाम वालेकुम फॉलोअर, मैं आपके सामने एक हॉरर थ्रिलर और मिस्ट्री मूवी लेकर आया हूँ जिसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू एंडिंग प्लान हम दोनों करेंगे। इस मूवी का नाम है लाइट हाउस। तो एंडिंग प्लान का डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसकी टाइमिंग, तो आप सीधा जाके उसी टाइमिंग में एंडिंग प्लान देख सकते हैं। और स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना है तो वीडियो शुरू रखिए, तो वीडियो पूरी देखिएगा, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे लिए पूरे महीने की एक एंटीसिपेटेड मूवी थी जिसका मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था। और फिर मुझे पता चला कि ये थिएटर्स को रिलीज़ नहीं हो रही, ना ही पाकिस्तान में, ना ही इंडिया में, और ना ही ये हिंदी डब्ड हो रही है, और ये सिर्फ बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। और ये अब पायरेटेड वर्जन इसका अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता तो ये पूरी की पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट है, मतलब 80s के ज़माने की मूवीज़ के जैसे प्रिंट होते थे। और ये काफ़ी यूनिक टेक्निक है जो कि रॉबर्ट एजगर की तरफ से हमें दी गई है। रॉबर्ट एजगर की काफ़ी सारी तारीफें हुई हैं जब इसके फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू निकल के आए थे, और ये भी कहा गया था ये एक मास्टरपीस मूवी है। और हर एक उस फैन के लिए जो कि हॉरर मिस्ट्री या थ्रिलर कैटेगरी को पसंद करता है, और उनको भी जो कि नॉवल से अडेप्टेशन लेके मूवीज़ बनाई जाती हैं। और आपको तो पता है मैं नॉवल से अडेप्टेशन मूवीज़ वाली कितनी पसंद है, और कास्टिंग इतनी अच्छी हो तो क्यों ना देखें। इसमें कास्टिंग के नाम पर रॉबर्ट पैटिंसन यहाँ पे विंसलो का रोल कर रहे हैं तकरीबन आधी आधी मूवी में, और बाकी हैं विलियम डॉफ जो यहाँ पे थॉमस रिक का रोल कर रहे हैं। पूरी की पूरी मूवी इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स के अराउंड घूमती है। वेल, इस थोड़ी प्लॉट बात की जाए और ज़्यादा डिटेलिंग में कम बात की जाए, क्योंकि एंडिंग स्प्रेन में हम ज़्यादा बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए प्लॉट की, तो सिंपली प्लॉट ये है कि एक लाइट हाउस प्लेस है वो, जो कि सिविलाइजेशन है, मतलब घर वगैरह या देहातों से दूर है काफ़ी, और वहाँ पे ज़्यादा कोई भी नहीं आता। वहाँ पे काफ़ी ख़राब मौसम है, और वहाँ पे दो कीपर्स रह रहे हैं जो कि विलियम्स का जो करैक्टर है वहाँ पे लीडर टाइप का है, और जो रॉबर्ट पैटिंसन का करैक्टर मतलब विंसलो है वो वहाँ पे काम वगैरह करता है, और सारे वो काम करता है जो कि मतलब उसका कैप्टन कहता है, मतलब विलियम का करैक्टर। अगर इसके प्लॉट की बात की जाए तो ये प्लॉट इंस्पिरेशन ली गई है एक नॉवल से जो कि है टू द लाइट हाउस, और दूसरी रियल लाइफ इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक असल में लाइट हाउस एग्जिस्ट करता है जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस किया जाना माना गया है। वहाँ पे गॉड्स की गॉड्स को देखने का दावा किया गया है, यहाँ तक कि एलियंस को देखने का दावा किया गया है, और मर्मेड और क्रीचर्स को भी देखने का दावा किया गया है। तो वहाँ उस जगह को लेकर काफ़ी सारे रूमर्स अफवाहें हैं, और कुछ कन्फर्मेशन भी है जो लोगों ने कहा है कि सच में वहाँ पर होता है। और इसकी और डिटेलिंग बात हम एंडिंग एक्सप्लेन में करेंगे। बस उसी से इंस्पायर्ड हो गई ये मूवी बनाई गई, और हमें दिखाया गया कि कैसे कैसे ये सब कुछ उधर वहाँ होता है। लोग तो समझेंगे वो पागल हैं, और किस तरह उन पर मैडनेस पूरी की पूरी उनके काबू करती है, और किस तरह दोनों करेक्टर्स एकदम पागलों की तरह रिएक्ट करना शुरू करते हैं, और क्या पागलपन के असरात और क्या सिंबल्स हमें दिखाए जाए, और क्या एक्टिंग थी, एक्टिंग की तो क्या तारीफ करूँ। मतलब अगर स्टोरी थोड़ी ढीली थी ना इस यहाँ मूवी की तरफ से, तो वो कास्टिंग की एक्टिंग ने फुल कर दिया। अगर रेट करूँ इस मूवी को, तो अगर मैं 4 दे रहा हूँ इसको, तो मैं कास्टिंग की एक्टिंग की वजह से 3 दे रहा हूँ, और 1 मैं दोहराऊँगा इसके प्लॉट और इसकी स्क्रीन की वजह से, क्योंकि ये मूवी ब्लैक एंड वाइट होती है, जो कि मैंने बताया कि काफ़ी अच्छी बात है जो कि डायरेक्टर ने हमारे सामने रखी। और इसका रेशो भी अलग है, ये दूसरे स्क्रीन का इसकी तरह नहीं है जो कि हम मूवीज़ देखते हैं, इससे डिफरेंट है। और ये हमें 80s की मूवीज़ की याद दिलाती हैं, याद क्या दिलाती है, ये 80s की मूवी में लगती हैं। एक बात तो बताना भूल गया यार, एडल्ट मूवी है, मतलब अडल्ट के लिए, 18+ के लिए है, तो बच्चे ना इस मूवी को देखें, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी हमें चीज़ें एक्टिविटीज़ दिखाई जाती हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए सही नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये ना पाकिस्तान में, ना इंडिया में, ना हिंदी डब्ड करके रिलीज़ हुई है। हाँ, अनऑफिशियल हिंदी डबिंग है, पर वो बकार ही होती है, बकवास ही होती है वो। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि फॉरेन में रिलीज़ हुई है, फॉरेन का मतलब बाहर के मुल्क इसकी रिकॉर्डिंग की गई थी, इसको पायरेटेड वर्जन बनाया गया था। और अब बाहर के मुल्क ये साफ होता है कि वहाँ चीखे नहीं मारते, स्क्रीन के सामने नहीं आते, ये शोर नहीं मचाते, जिसकी वजह से इसका पायरेटेड वर्जन भी काफ़ी अच्छा खासा बन जाता है। जैसे कि मूवी ब्लैक एंड वाइट है, उसका रेशो जो है उसके हिसाब से पायरेटेड वर्जन ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगता दोनों में, और आवाज़ भी आपको सही सही सुनाई देती है। अगर आप इस मूवी के लिए काफ़ी मतलब वेट कर रहे थे, तो आप इसका पायरेटेड वर्जन देख सकते हैं। वैसे मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा कि, क्योंकि ये मस्ट वॉच मूवी तो नहीं है, ये कुछ कुछ लोग ही देख सकते हैं जिनके पल्ले ही मूवी पड़ेगी। ऊपर से इंग्लिश में है तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें काफ़ी अजीबोगरीब और फिजिकोलॉजिकल और मैडनेस वाली बातें की गई हैं, जिनको समझना आम बंदे की तो बिल्कुल बात नहीं, और एवेंजर्स टाइप के फैंस के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप देखें, पर जो रॉबर्ट पैटिंसन के फ़ैन हैं, जो उनकी एक्टिंग का सही मज़ा लेना चाहते थे, क्योंकि एक अल्ट्रा लेवल की ना इन्होंने एक्टिंग दी है, और मैं फ़ैन ही हो गए। तो अब रॉबर्ट पैटिंसन के फ़ैन और जो लाइट हाउस मूवी का काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, वो देख सकते हैं इसका पायरेटेड वर्जन, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है।
पर प्लीज़ इंग्लिश वाले देखिएगा, और मुझे बाकी पायरेटेड वर्जन का नहीं पता, जो मैंने देखा था वो काफ़ी अच्छा वाला था। तो इतना ही था मेरे ख्याल से स्पॉटिफाई रिव्यू, मैंने आपको रिकमेंड कर दिया कि आपको देखनी चाहिए, किन के लिए देखने के लिए आई है, किन के लिए नहीं है, कास्टिंग बता दी, प्लॉट हल्का सा बता दिया मैंने, इसके फास्ट एक्शन रिव्यू भी काफ़ी अच्छे हैं, तो क्यों ना देख लें मूवी को। आप वेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि अभी देखना है, आप वेट कर सकते हैं जब ये रिलीज़ हो जाएगी, होम रिलीज ही होगी ऑफ कोर्स, तो अब देखते हैं क्या होता है। इतने स्पॉइलर-फ्री रिव्यू था, तो अब मैं एंडिंग एक्सप्लेन शुरू करने लगा। जिन्होंने अभी तक ये मूवी नहीं देखी उसके लिए स्पॉइलर वार्निंग है, और मुझे पता है ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं होगी, पर जिन्होंने देखी है उनके पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहा होगा, इसकी एंडिंग को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़ होंगे। तो काफ़ी वेबसाइट सर्च करके मैंने इसकी एंडिंग एक्सप्लेन निकाली है, मैं भी कुछ कन्फ्यूज़ था, कन्फर्मेशन मैंने की है। स्पॉइलर वार्निंग, तो ये आखिरी स्पॉइलर वार्निंग है, इसके बाद अब मैं एंडिंग एक्सप्लेन शुरू करने वाला हूँ। तो पहले हम दोनों करेक्टर्स को ज़रा डीपली जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक विलियम का करेक्टर जो है, जो थॉमस है, थॉमस विक, उसका ये हिसाब है कि वो अपना सेल्फिश आदमी है, काम करवाता है, उसको रहम नहीं ज़्यादा आता, पीता काफ़ी शराब है, अकेला रहना पसंद करता है, काफ़ी बातें करता है, बकवास बातें करता है, ग्रीक गॉड्स को भी मानता है वो, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो बहुत बड़ा झूठा इंसान है। और यहाँ पे लाइट हाउस वाली बात हम बाद में करेंगे। दूसरा करैक्टर है यहाँ पे विंसलो का, जिसका बाद में नाम हमें टोमी पता चलता है, और वो करैक्टर है यहाँ पे बहुत ही मेहनती काम, उसकी बैक स्टोरी का ज़्यादा खास नहीं गई, उसने काफ़ी कुछ देखा है अपनी लाइफ में, अप एंड डाउन उसके लाइफ में आते रहे हैं, और अब वो चाहता है कि पैसा उसे मिले एक ऑनेस्ट तरीके से, ईमानदारी से उसे मिले, वो मेहनत का काम करे उसे पैसा मिले। पहले पैसे पाने के लिए उसने काफ़ी काम किए हैं, यहाँ तक कि मेरे ख्याल से काफ़ी मर्डर भी किए होंगे, क्योंकि जिस तरह उसने एंड में रिएक्ट किया था उस तरह लग रहा था कि उसने पहले कोई मर्डर किया हो। वो ज़्यादा बात नहीं करता, और शुरू शुरू में वो शराब भी नहीं पीता था, वो सिगरेट काफ़ी पीता था, और स्मोकिंग का उसे काफ़ी मेरे ख्याल से आदत थी। करेक्टर की बात हुई, अपलोड की बात कर लेते हैं, पहले भी की है पर वो उनके लिए थी जिन्होंने मूवी नहीं देखी, पर आपने देख ली है। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज़ अ लाइट हाउस, और लाइट हाउस में तीन लाइट हाउस कीपर रहते थे, और वो तीनों एकदम बूम मतलब गायब हो गए, और किसी को सबूत नहीं पता चला कि वो कहाँ गए किधर गए। पर उससे पहले ही वहाँ पे काफ़ी चीज़ों को देखने का दावा किया जाता था, लाइक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, मतलब भूत चिन्ह वगैरह, क्रीचर्स, मरमेड, या फिर ग्रीक गॉड्स जिन्हें आप देवता आई थिंक समझ सकते हैं, वो भी देखने का दावा किया गया, यहाँ तक कि एलियंस का भी आया था, एलियंस को भी देखा गया वहाँ पे। तो मतलब ये काफ़ी अफवाहें थे उसको लेके ना, और वहाँ पे काफ़ी कम ही लोग जाते थे, और अब वो एकदम गायब हो गए थे, तो उनको लेके भी काफ़ी अफवाहें फैली थी। तो उसी को लेके ये मूवी अडेप्टेशन ली गई है, पहले इसकी नॉवल बनी थी टू द लाइट हाउस, उसकी भी कुछ इसी तरह की ज़रा प्लॉट थी, स्टोरी मैंने पढ़ी तो नहीं है, पर ज़रा मैंने सर्व की है वेबसाइट, वहाँ पे ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो अगर आप अपने मूवी गौर से देखी है तो काफ़ी सारा हिंट आपको मिले होंगे यहाँ पे गौर से रिलेटेड। तब एक बूढ़ा सा आदमी होता है, वो एक गौर की निशानी से यूज़ की, जब इस लोग करेक्टर थॉमस के करेक्टर को मार रहा होता फिल्म के एंड में, तो वहाँ पे वो आधा ऑक्टोपस आधा इंसान बना होता है, तो वो भी गौर का नाम है, वो भी गौर का हो गया, यहाँ सिंबल दिया गया है, और एक और दो तीन और ऐसे ही ना रेफरेंस दिए गए हैं गौर की तरफ। तो मतलब काफ़ी सारे फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं मूवी को, मरवेड का तो आपको पता ही होगा, तो ये सारा साफ था, ये आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ लाइट हाउस की बात करते हैं, तो आपको पता है कि थॉमस क्वेन का जो करेक्टर था वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता था उस लाइट हाउस की लाइट से, वो ऊपर जाता था, हमने एक सीन में देखा था, मतलब क्लोज उतार के बैठ के लाइट को देखते जाता है, और वो सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, क्योंकि बंदा अकेला रहता है ना, तो आप सबको पता होगा, आप सब मर्द ही देख रहे होगे इस वीडियो को, तो आपको पता होगा कि कितना वो सेक्सुअली चाहते होते हैं मर्द। तो वही चीज़ हमने देखी थी रॉबर्ट पैटिनसन के कैरेक्टर का, वो अकेला क्या कर रहा होता है, इमेजिन करके कि वो मरमेड के साथ कर रहा है ऐसा काम, और इसी तरह थॉमस का कैरेक्टर वो लाइट के साथ हो रहा था सेक्चुअली, तो वो चाहता था कि लाइट उसे मिले, समझे, वो लाइट के साथ रिलेशनशिप बना रहा होता था, क्योंकि वो अपने आप को गोल्ड लेवल का मान रहा होता था। जी हाँ, यहाँ गोल्ड लेवल, वो अपने आप को गोल्ड मान रहा होता था उस टाइम में, इसलिए हमने देखा कि रॉबर्ट पैटिनसन का करेक्टर बाद में भी गॉड को ही, मतलब अपनी शक्ल को गॉड के रूप में देखता है, क्योंकि वो अपने आप को गॉड समझने लग जाता है उस जगह का, क्योंकि जो थॉमस का करेक्टर होता है विंसलो के करेक्टर में हुक्म चलाता होता है। और हमने ये भी देखा कि थॉमस का करेक्टर विंसलो के करेक्टर को मना करता है ऊपर लाइट हाउस की लाइट के पास जाने से, क्योंकि वो समझता है कि वो अकेली उसकी ही है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता होता, और वही तलब ज़्यादा बढ़ाती है रॉबर्ट पैटिनसन के करेक्टर के लिए, इसलिए वो फिल्म के एंड में मारता है और लाइट के पास जाता है, क्योंकि वो तलब उसके लिए ज़्यादा बढ़ जाती है। अक्सर ये मिसाल होती है कि बच्चे को उस काम से मना ना करो, क्योंकि वो फिर और अट्रैक्टिव हो जाता है कि यार ये काम मैंने करना ही करना है, यही वाला काम हुआ है। और मैडनेस तो हमें दिखाई गई किस तरह वो
पागल होते हैं आहिस्ता आहिस्ता कैसे उनका साफ बदलता है, आहिस्ता आहिस्ता रॉबर्ट पैटिंसन के कैरेक्टर की एक्टिंग हमें नज़र आई है, या आहिस्ता आहिस्ता वो पागल होने के कैसे कैसे इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या सिंबल्स नज़र आते हैं, क्या क्या रेफरेंस होते हैं, तो वो काफ़ी ऑसम थे मूवी में। तो मूवी ऑसम थी। तो यहाँ पे दो ही उस आइलैंड में तरफ रहते थे और दोनों के पास एक दूसरे के सवा कोई नहीं था दुख शेयर करने के लिए, बातें शेयर करने के लिए, खाना भी उन दोनों को सोखे होकर खाना पड़ता और बाद में वो शराब पीना भी शुरू हो गया था। अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि शराब की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इतना अल्कोहल पीने से आपको पता है एल्यूजन्स और ये सब चीज़ें नज़र आने लग जाती होती हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं असल में वहाँ पर कुछ है ऐसा उस आइलैंड में, उस लाइट हाउस में ऐसा असल में कुछ है। अब ये कहने की बातें अफवाहें हैं, कुछ भी हो सकता है। और एंडिंग थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं, वैसे तकरीबन मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है। तो में हम देखते हैं सीगल्स रॉबर्ट पैटिंसन के करेक्टर को खा रही होती है, तो ये सीधा रेफरेंस गॉड की तरफ है, क्योंकि जिस इंसान ने गॉड से लाइट चोरी की थी उसे भी यही सजा दी गई थी कि उसे सीगल्स खाने लगी थी, चीले थी वैसे, इधर सीगल्स का रेफरेंस दिया गया है, तो ये भी सजा है क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन के करेक्टर ने लाइट चुराई एक किल करके, मतलब मर्डर करके, तो उसे ये सज़ा मिली। तो दोस्तों इतनी एंडिंग स्ट्रेंथ थी, मैंने सारी डिटेल दे दी है जितनी मुझे मिली है। अगर कोई डाउट है आपको कमेंट्स में पूछ लीजिए, मैं वहाँ आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। मैं रेगुलर DC मार्वल दूसरी मूवी से डिटेल देता हूँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।